Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Hadi here and you are watching Medical Globe. आज निहायत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है DNA प्रिंटिंग, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखने से पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म्स हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। उसमें मौजूद है सबसे पहले DNA के ऊपर छोटा सा एक छोटा तारुफ, और फिर DNA के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि VNTRs, वेरिएबल नंबर, टेंडन रिपीट्स, और इस तरह से सिंपल टेंडन रिपीट्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो हम आपके साथ डिस्कस कर आपको समझाएंगे। और ये बहुत ही मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो आपको आज समझा देंगे। इसके अलावा आपको सैटेलाइट DNA भी यहाँ पर आपको समझा देंगे, और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल लफ्ज है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एक टर्म है जो हम आपको समझा देंगे। और लास्ट में जाकर हम आपको DNA फिंगर प्रिंटिंग के स्टेप्स बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको उसके डिस्कस करेंगे आपके साथ, और लास्ट में आपके साथ एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह DNA फिंगर प्रिंटिंग से हम काम लेते हैं, मतलब फॉरेंसिक साइंस में, क्राइम में, ठीक है, रेप केस में या पैटर्निटी प्रॉब्लम में किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक किस्म का कॉम्बो लेक्चर होगा, ये कोई 5-10 मिनट का नहीं, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं तो 2-3 मिनट के एनिमेशन मिल जाते हैं और ख़त्म, नहीं, यहाँ पर आपको बहुत टाइम ज़्यादा लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बो है, इसमें सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं DNA की तरफ। देखिए, हर इंसान के अंदर, हर जानदार के अंदर उसकी एक पहचान छुपी हुई है, उसकी एक आइडेंटिटी अलामत है, उसका एक आइडेंटिटी नंबर है हर इंसान के अंदर, और वही उसकी पहचान है, दैट इज कॉल्ड DNA। देखो, DNA हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे पूरे जिस्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरा जिस्म का जो जो मालूमात है वो उस छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर छुपा हुआ है। जिस तरह आप एक USB के अंदर दुनिया जहां के मालूमात स्टोर कर सकते हैं, तो हमारे जिस्म का सारा जो डेटा है वो उस छोटे से USB के अंदर छुपा हुआ है जिसका नाम है DNA। आपकी आंखों का रंग, आपकी स्किन का कलर, आपके हाइट, आपका इंटेलिजेंस, एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी इज इंक्लूडेड इन दिस USB व्हिच वी कॉल इट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA, क्योंकि DNA खुद एक किस्म का न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा जनाब, इसके लिए मैंने यहां पर एक लफ्ज भी यूज किया, DNA मार्कर्स, मार्क, जिस तरह आप किसी चीज को शो करते हैं, मार्क, मार्कर्स, यही DNA जो एक तरफ हम कहते हैं कि इंसान के अंदर पूरी की पूरी खसूसियात को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी DNA की के अंदर ऐसा हमें कुछ मिलेगा जिसकी मदद से हम डिजीज को डायग्नोज करेंगे, मतलब ऐसे कुछ जेनेटिक डिजीज है जिसको हम लोग इसी DNA की मदद से हम डायग्नोज करेंगे, और साथ ही साथ यस ऑफकोर्स इसी DNA की मदद से हम लोग फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट भी करेंगे। फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको एक शख्स के बारे में मुकम्मल तौर पर, एक शख्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये जो आपका फिंगर है, इसके अंदर जो लाइनें लिखी हुई है, नक्शा लिखा हुआ है, क्या कमाल है, आप देख सकते हैं। हम कहते हैं कि आप अल्लाह के जलवे आपको नज़र आएंगे, तो वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुनिया जहाँ में जो लोग होते हैं उनका ये जो फिंगरप्रिंट के अंदर जो लाइनें लिखी हुई थी वो एक शख्स का दूसरे शख्स से डिफरेंट होता है, जिस तरह ये फिंगरप्रिंट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिक होता है ना, चूँकि ये नक्शा हर शख्स के लिए यूनिक होता है, ये नक्शा, ये इसकी पहचान है। मिसाल के तौर पर ये जो नक्शा मेरे फिंगर पर इस वक्त है,
ये मेरी पहचान है, ये दूसरे शख्स के पास नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह ये तो नज़र आ रहा है ना सबको, इसी तरह इसके अलावा हमारे अंदर एक और यूनिकनेस है। वो क्या है? वो हमारे अंदर डीएनए के अंदर है। डीएनए के अंदर ऐसा कुछ खास पार्ट्स है जो हमारे लिए क्या है, यूनिक है। तो वो जो यूनिकनेस है, इसकी मदद से हम एक शख्स को दूसरे शख्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्राइम सीन में जैसे कि शक होता है कि भाई इस बंदे ने कत्ल किया हुआ है, या इस बंदे ने कत्ल किया या इस बंदे ने कत्ल किया हुआ है, तो हम लोग इस डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से उस शख्स को एग्जैक्टली कैच कर सकते हैं जिसने कत्ल किया हुआ है, मर्डर किया हुआ है, या जिसने रेप किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको हम पढ़ेंगे। तो ये था डीएनए का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मजीद स्पेशल बात हम आपको बताते चलें कि जब आप किसी शख्स से डीएनए उठाएंगे, जाहिर है डीएनए कहां पर है, डीएनए सेल के अंदर होता है। ठीक है, जब आप उसके सेल से डीएनए उठाएंगे तो उस डीएनए के अंदर आपको दो तरह के रीजन्स नजर आएंगे। डीएनए के अंदर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स आपको नजर आएंगे। एक का नाम है नॉन कोडिंग रीजन। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग रीजन। ऐसा रीजन है जो किसी तरह प्रोटीन या प्रोडक्ट को कोड नहीं करा। ठीक है, हमें पता है कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और वो प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, लेकिन डीएनए के अंदर ऐसा जगह भी है जो कि कोड नहीं करता, मतलब वो किसी खास एंजाइम या प्रोटीन को कोड नहीं करता। ऐसे जगह को क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं इसको। और इसी नॉन कोडिंग डीएनए को हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। तो आपको सैटेलाइट डीएनए के बारे में अभी पता चल गया, एक लाइन का डेफिनेशन है। व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? द नॉन कोडिंग डीएनए इज कॉल्ड एज सेटेलाइट डीएनए। अब जो दूसरा डीएनए है, कोडिंग डीएनए, जिसके अंदर प्रोटीन बनाने के जीन्स है, बहुत सारे एंजाइम बनाने के जीन्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के जीन्स है, वो है कोडिंग डीएनए। उसकी जरूरत आज के लेक्चर में है ही नहीं। तो हम लोग आज के लेक्चर में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लेक्चर में, सिर्फ ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है, जो सेटेलाइट डीएनए है, इसके साथ ही ज्यादातर हम लोग रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, तो सैटेलाइट डीएनए आपको समझ आ गया। सैटेलाइट डीएनए की मजीद टाइप्स हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो है ये एक टाइप है, और ये भी उसके अंदर आ रहा है, और साथ साथ ये कुछ टर्म्स जो आप देख रहे हैं ये भी सैटेलाइट डीएनए के। थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये इसकी तरफ हम आ जाएंगे, आप लोग यहाँ पर आ जाएं। जैसे हमने कहा था कि हर इंसान के अंदर डीएनए मौजूद है, और डीएनए के अंदर चंद एक खास जगह होते हैं जिसकी वजह से एक शख्स दूसरे शख्स से डिफर करता है। तो वो क्या होता है डीएनए के अंदर? स्पेसिफिक साइट्स, खास जगह, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, वो जो खास जगह होती हैं जिनकी मदद से एक इंसान दूसरे इंसान से डिफर करता है, वो खास जगह ये है, RFLPs, VNTRs, STRs, SNPs, यानी RFLPs एंड सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो ये हम आपको सबसे पहले यहां पर आते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। अब L से मुराद क्या है? L से मुराद लेंथ। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ। P से मुराद पॉलीमॉर्फिज्म। S फॉर प्लूरल्स, जमा के लिए। ठीक है, बहुत सारे के लिए। अब ये इसका पूरा नाम तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, नाम का काफी अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। जब आप डीएनए के अंदर आ जाएंगे, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डीएनए है, दिस इज अ डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास एक डीएनए वन है, और ये हमारे पास एक दूसरा डीएनए है, डीएनए टू। यानी ये एक शख्स का डीएनए है, ये दूसरे शख्स का डीएनए है। इस डीएनए के अंदर आपको
एक ऐसा जगह मिलेगा जिसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या नाम है उस एंजाइम का? उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ये एक बहुत स्पेशल एंजाइम है जो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया के अंदर नजर आया, जो कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को कट ऑफ कर रहा था, वो भी वायरल डीएनए को। सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था ई कोराई ना के नाम से। ये जो एंजाइम है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और आप इसका काम क्या, कैंची सीजर वाला काम है, ये डीएनए को तोड़ देता है, सही है। अब ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर आप इसके सामने डीएनए आ जाए तो ये किसी भी जगह पर उसको काटता नहीं है, किसी भी जगह पर आंखें बंद करके बस जिधर भी काट, नहीं। ये जो एंजाइम है ये डीएनए को एक मखसूस जगह पे जाके काट देता है, मखसूस जगह पर काट देता है, ये इसका स्पेशल पॉइंट है इस एंजाइम का। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए के ऊपर काम करेगा, इसको तोड़ देगा। अब देखो हम लोग डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक साइट की बात कर रहे हैं, उस मखसूस जगह की बात कर रहे हैं जिस पर एंजाइम काम करेगा, तो ये भी स्पेसिफिक साइट की बात चल रही है। तो फर्ज करते हैं कि उस डीएनए के ऊपर उस एंजाइम के लिए तीन जगह है टारगेटेड, थ्री पॉइंट्स हैं। वो कौन से? ये एंजाइम जो है यहाँ पर जाकर इसको तोड़ देगा तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा और ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। और इसके लिए दूसरा जगह कौन सा है? ये भी है R3, यहाँ पर भी जाकर जो है ये एक्ट करके इसको तोड़ेगा तो ये टुकड़ा उस तरफ जाएगा। अब ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये थर्ड टुकड़ा है यहाँ पर भी जो है वो एंजाइम काम करके इसको तोड़ देगा। तो ओवरऑल एक टुकड़ा हमें यहाँ मिला था, एक टुकड़ा यहाँ मिला था, और ये जो R2 साइट है जब इसको भी आपने तोड़ दिया तो इसके भी दो टुकड़े आ गए। तो ओवरऑल हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद, अभी मैं इसको जाके मिटा रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन, ये जो नाम आप देख रहे हैं ये आपने देखा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस REN। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद हमारे पास ये जो डीएनए है ये टूट जाएगा कितने टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में, चार टुकड़ों में। तो ये आ जाएगा इसका पहला टुकड़ा, और ये आ जाएगा इसका दूसरा टुकड़ा, ये आ जाएगा इसका तीसरा टुकड़ा, और ये आ जाएगा इसका चौथा टुकड़ा। ठीक है, फोर फ्रैगमेंट्स आ गए। ठीक है, अब अगर हम दूसरे शख्स के बॉडी के अंदर जाकर डीएनए को उठाए, बिल्कुल वही जगह उठाए जो आपने यहां से जो सेगमेंट डीएनए का आपने उठाया था, बिल्कुल दूसरे शख्स में भी आप वही सेगमेंट उठा ले, ये देखो बिल्कुल ये भी वही सेगमेंट है लेकिन दूसरे शख्स का है, तो डीएनए 2 है। अब ये जो दूसरा शख्स है उसके डीएनए के अंदर ये थोड़ा सा म्यूटेशन आ जाता है, थोड़ा सा, मतलब म्यूटेशन का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए और सी और जी, और यहाँ पर है CCG लिखा हुआ है, एंड देन TTC एंड AGC, मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर आके देखोगे तो लेट सपोज यहाँ पर जो सिर्फ एक टी है, इधर यहाँ पर जो टी है उस टी की जगह यहाँ पर क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है, बाकी वही चीज़ें है TCAGC, और यहाँ पर है GCCGCA। तो अब देखिए वो सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है डीएनए के अंदर वो तकरीबन सेम है, लेकिन एक मसला था कि यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर जो टी था वो उसकी जगह यहाँ पर सी आया हुआ है, तो जस्ट अ स्लाइट म्यूटेशन आया हुआ, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में इस तरह का एक छोटा सा फर्क होता है। तो ये स्लाइट म्यूटेशन की वजह से है, अब इस डीएनए में वही एंजाइम जो है वो एक्ट तो करेगा, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए उस एंजाइम के लिए फिर अब दो जगह आ जाएंगी, एक वो यहाँ पर,
एक ये यहाँ पर, ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ कि आप तो म्यूटेशन जो है उस एंजाइम के लिए हो सकता है, उस एंजाइम के लिए काटने वाली जगह ज़्यादा हो जाए, काटने वाले पॉइंट ज़्यादा हो जाए, उसके तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन उसके म्यूटेशन के बाद चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, अब मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो वो एक तो उसको यहाँ पर ब्रेकअप कर देगा, ये टुकड़ा आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रेकअप कर देगा, ये टुकड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन टुकड़े आ जाएंगे, एक टुकड़ा, दो और तीन टुकड़े आ जाएंगे आपके पास। अब ज़रा गौर कर लें, आप लोग गौर कर लें कि इधर जो तीन टुकड़े आ रहे हैं, इनकी लेंथ जो आप देख रहे हैं, लेंथ वो देखो, अब तीन टुकड़े हैं तो अब देखिए इस तरह की, ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, मतलब इनका जो लेंथ अगर आप देखोगे, इनकी जो लेंथ आप देखोगे वो इस शख्स से डिफरेंट है। तो दुनिया जहां के जो लोग होते हैं, अगर आप उनको उठाओगे, लोगों को, एक शख्स आप अपने आप को कंसिडर करें, अब दूसरे शख्स को कंसिडर करें, कजन को देखे, दोस्त को देख ले, आप अपने दोस्त से इस तरह डिफर करते हैं कि आपके अंदर अगर उस डीएनए को तोड़ दिया जाए तो उसके जो फ्रेगमेंट्स आएंगे, टुकड़े आएंगे, उनका लेंथ चेंज होगा, वेरिएबल होगा, लेंथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन तो चलो चूंकि वो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, फ्रेगमेंट ये आ रहा है, लेंथ जो है इसकी, इसका ये जो फासला है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिए चेंज करा होता है, किसी शख्स में तीन टुकड़े होंगे, उसमें से ये टुकड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा सा लंबा होगा, ये बड़ा होगा। अब मैं आपको मिसाल इस तरह से भी बता सकता हूँ इस केस में कि अगर आप एक शख्स उठाओगे तो उसके अंदर अगर इस तरह का एक पैटर्न आपके पास आ जाए, इस तरह का पैटर्न आपके पास आ जाए, बड़ा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है, ये लंबा है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है बड़ा फ्रेगमेंट आया, ये एक शख्स के अगर इस तरह से सेगमेंट आ रहा है तो दूसरे शख्स में यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट होगा, फिर यहाँ से एक बड़ा सेगमेंट होगा, और फिर यहाँ से छोटा सेगमेंट होगा। तो मतलब इसमें दोनों में तीन टुकड़े आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो वेरी कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। हर शख्स के अंदर या तो उन टुकड़ों की तादाद चेंज होगी या फिर उनकी लेंथ चेंज होगी, मतलब अब जिसमें तीन तो है लेकिन फिर आप देख नक्शा कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये हमारे अंदर यूनिकनेस है, हमारी पहचान है, एक शख्स की पहचान दूसरी, ये आपका फिंगरप्रिंट है, ठीक है, इसी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी शख्स का ये जो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट्स हैं वो दूसरे शख्स के साथ सेम नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर वो ट्विन है, मतलब जुड़वा है, ठीक है, वो भी आइडेंटिकल ट्विन, फ्रेटर्नली आइडेंटिकल ट्विन अगर है तो उनमें ये सेम आ जाएगा, लेकिन बाकी दुनिया के तमाम लोगों में ये डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहला आपने देखा रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपने देख लिया। जो हमारा जो टेस्ट होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, वो इसके ऊपर बेस्ड होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह हम देखते हैं कि आप डीएनए फिंगरप्रिंट को विदाउट ये समझाते हैं, आप उसको समझा रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो। इसीलिए तो मैंने कहा ये लेंथ ही होगा, लेक्चर लेंथ ही होगा, लेकिन आपको मजा आएगा, आपको रियली आप इंजॉय करोगे, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बाद, एक और यूनिकनेस भी हमारे उसके डीएनए के अंदर है, वो है VNTRs। आप उसको विंटर से देखें, विंटर जैसे सर्दी का मौसम है विंटर, तो आप उसको इससे याद करें विंटर्स, VNTRs। व्हाट इज मीन बाय दिस विंटर्स, पूरा का पूरा मतलब इसका क्या है, वी से मुराद वेरिएबल, अब इसको मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है, वी से मुराद वेरिएबल, वेरिएबल नंबर, एन से मुराद नंबर, वेरिएबल नंबर टेंडम, और आर से मुराद रिपीट्स, आर से मुराद रिपीट्स, एस प्लूरल को शो करे, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, अगर हम अपने डीएनए के अंदर आ जाए तो हमारे डीएनए के अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड्स नजर आएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस नजर आएगा, ठीक है। डीएनए में से दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ उसको एक स्ट्रैंड शो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, दो की जरूरत है ही नहीं। अब आप देखिए ए जी सी जी, ये सारे के सारे क्या है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ये आपका डीएनए के अंदर क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक है।
सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए ये रिपीट जब हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर, यहां पर आप लोग आ जाइए, यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डीएनए है और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं। लेकिन उधर हमने देखा कि एक ऐसा जगह हमने उस डीएनए के अंदर देखा, पूरा डीएनए मैंने शो नहीं किया, उस खास जगह को मैंने देखा कि वहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब जी सी फिर से जी सी फिर से जी सी फिर से जी सी जी सी जी सी जी सी, या आप इस तरह कह सकते हैं इस तरह से आ जाए ए जी ए जी ए जी एंड सो ऑन, मतलब देख रहे रिपीट हो रहा है, ए जी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग रिपीट सीक्वेंस बोलते हैं और टेंडम बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा यहां पर वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। ये एक जैसी चीजें हैं, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये भी टेंडन रिपीट्स है, ये भी टेंडन टी आर्स, लेकिन यहां पर क्या लिखा, वेरिएबल नंबर है और यहां पर है जो है वो आप लोगों ने सिंपल लिखा हुआ है। ये असल में नंबर्स में ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, वो किस तरह से आ जाए मैं आपको बताता हूं। ये जो वी एन टी आर होते हैं इनमें कितने बेस पेयर्स हो सकते हैं, कितने बेस पेयर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स में या मुख्तलिफ बुक्स में जो है वो बता रहे हैं मोर देन सिक्स से ज्यादा, लेकिन एक जगह बता रहा है कि ये 10 से ज्यादा होते हैं। यहां पर कितने होते हैं, मोर देन टेन बेस पेयर्स में होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब 4 से ज्यादा हो जाए, एक और बुक में हमने देखा व्हेन इट इज मोर देन 4, यानी जब 4 से ज्यादा हो जाए क्या बेस पेयर्स, जब इसमें 4 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वी एन टी आर। अब देखिए आप देखिए ए जी सी जी ए सी, उसके बाद फिर से इसी तरह का चीज फिर से रिपीट हो रहा है अगेन। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं गौर से, आप देखें ए जी सी जी ए सी, फिर से ए जी सी जी ए सी, अब आप देखो फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तो हो रहा है, लेकिन उस रिपीट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बेस पेयर्स एक कॉपी में आ रहा है, एक रिपीट में 7 बेस पेयर्स आ रहा है। तो वही बात होगी 4 से ज्यादा हो गए, एक संभव एक कई और जगह पर मैंने देखा है मोर देन 10। तो भाई यहां पर आपने ये नंबर्स हमेशा मैं देखता रहता हूँ, बुक टू बुक वो वेरी करते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखे जाए, आपके सामने जो बुक है उसी हिसाब से आप चले जाए, ठीक है। तो लेकिन याद है कि 4 से कम नहीं हो सकते, 4 से कम नहीं हो सकते हैं, 4 से ज्यादा होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 से ज्यादा होंगे, 20 होंगे, 25 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो इस केस में इसको वी एन टी आर कहेंगे। और याद रखें ये जो आपके सीक्वेंस है वी एन टी आर, ये अगर रिपीट हो जाएंगे तो ये 2 बार रिपीट हो सकते हैं, या 3 या 10 या 15 या 100, कितना तो लिख दे 10 से लेकर 1500 गुना ये रिपीट हो सकते हैं। मतलब किसी शख्स में ये 12 टाइम रिपीट हो सकता है, किसी में ये 100 टाइम भी रिपीट हो सकता है। मजाक के तौर ये किसी शख्स के अंदर उस तरह ए जी सी जी एक बार, दो बार, 3 4 5 100 टाइम भी, यानी 1500 टाइम, यानी 1000 टाइम भी ये रिपीट हो सकता है। तो अब आप जरा देख सकते हैं कि एक शख्स का जो ये जो वी एन टी आर है, हमारे सबके अंदर अपना अपना वी एन टी आर है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरह डिफर करता है, वो इस तरह से कि अगर किसी शख्स के अंदर इस तरह के 2 रिपीट हो गए, 2 रिपीट्स हैं, तो दूसरे शख्स में 3 रिपीट्स होंगे, इसी तरह से चौथे शख्स में 4 रिपीट्स होंगे, नेक्स्ट में 10 रिपीट्स होंगे, नेक्स्ट में 3 रिपीट्स होंगे। तो एक शख्स से दूसरे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 लोग हैं, 2 डिफरेंट लोग हैं, उनमें दोनों के अंदर ये जो वी एन टी आर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, इस तरह हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए एक शख्स से का जो वी एन टी आर है दूसरे शख्स से डिफर होगा नंबर वाइज, ठीक है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है नंबर, वेरिएबल नंबर, मतलब
किसी शख्स में वो 3 होगा, किसी शख्स में वो 100 होगा, इसीलिए तो ये वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स का नाम रखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये VNTRs क्या है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, सिंपल टेंडन रिपीट्स, सिंपल टेंडन रिपीट्स। ये सिंपल में क्या होगा, सिंपल में फिर ये रिपीट तो होंगे लेकिन 2 या 3, अकॉर्डिंग टू सत्यनारायण वो होता था 2 या 3, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। अभी देखो, अब इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, ये देखो 2 न्यूक्लियोटाइड GC, बस उसके बाद फिर से GC, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 7 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं, AG, 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 तो ये भी यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर वो 2 न्यूक्लियोटाइड में रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल टेंडन रिपीट्स, और अगर वो 4 से ज़्यादा है तो कभी मतलब STR मैंने 2 to 4 लिखा हुआ है, यानी हो सकता है 2 हो सकता है ये 3 में रिपीट आ जाए, हो सकता है 4 में, 4 से अबव वो फिर किस चीज़ में आएगा, वो VNTRs में आएंगे। तो ये छोटे लेंथ के हैं और ये थोड़े से बड़े लेंथ के। और आपको मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि जैसे आप ये निशान देख रहे, ये VNTRs, ये सेटेलाइट DNA है और ये भी सेटेलाइट DNA है। ये जो सेटेलाइट DNA में से ये जो VNTRs है, इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है मिनी सेटेलाइट। क्या नाम दिया हुआ है, मिनी सेटेलाइट का नाम हमने दिया हुआ है इस VNTRs को। और ये जो STRs है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, STR को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है माइक्रो सेटेलाइट। तो भाई मुबारक हो आपको, ये जो सेटेलाइट DNA है उसके टाइप्स भी आपको समझ आ गए कि मिनी सेटेलाइट क्या है, माइक्रो सेटेलाइट। पूरे DNA के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, और उस पूरे DNA के मुकाबले में VNTRs लेंथ वाइज थोड़ा सा ज्यादा है इससे, इसीलिए इसको मिनी सेटेलाइट कहा जा रहा है। मिनी यानी ओरिजिनल DNA से तो ये छोटा है, इसीलिए इसका नाम मिनी सेटेलाइट रखा हुआ है। और ये जो STRs है ये इससे भी ज़्यादा छोटे हैं, जरा देखो इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा था, GC, ये कितना छोटा लेंथ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सेटेलाइट इसको बोलते हैं। अच्छा, तो माइक्रो सेटेलाइट भी आपको समझ आ गया। इस तरह माइक्रो सेटेलाइट भी एक शख्स से दूसरे शख्स को डिफर करता है। अभी देखे, एक शख्स के अंदर अगर GC, 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 GC 3 रिपीट हुआ है, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिसके अंदर ये GC, GC जो है GC, 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 GC वो 5 आया हो, ठीक है, 5 1, 2, 3, 4 5 आया हो। तो एक शख्स दूसरे शख्स से इसमें जो है डिफर करता है। अब देखिए, इसमें भी सेगमेंट्स, वेरिएबल सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो ये अगर किसी शख्स में 1, 2, 3 इस तरह के रिपीट्स हैं तो उसके DNA का लेंथ इतना सा होगा, ठीक है, ये उसके DNA का लेंथ होगा। और जिस शख्स में ये 5 रिपीट्स हैं तो फिर उस शख्स के अंदर ये लेंथ इतने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए कि यहाँ पर सारा गेम लेंथ का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ कुछ और है, यानी हर शख्स दूसरे शख्स से इन DNA के लेंथ में डिफर करता है, और लेंथ एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। हालांकि एक शख्स का DNA दूसरे शख्स के DNA के साथ काफ़ी जगहों पर सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन चंद मखसूस जगह होती हैं जिसमें हमारा DNA आपके DNA उसके DNA के साथ डिफर करता है, छोटा सा जगह है, बाकी DNA सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा है DNA, लेकिन उसके अंदर चंद टारगेटेड जगह हैं जिसकी मदद से हम एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो ये उन स्पेसिफिक साइट की हम बात कर रहे हैं जिसे हम एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब ये क्या है, SNPs, सिंगल, या फिर एस सिंगल को बोल रहे, ठीक है, सिंगल। यहां पर मैंने कह रहा था एस से मुराद सिंपल, ये देखो मैंने कहा था सिंपल टेंडन रिपीट्स, TRs आपको पहले से पता है। यहां पर जो एस है ये एस सिंपल के लिए नहीं है, ये सिंगल के लिए। अब ये क्या है, लेट्स सपोज एक शख्स का DNA आपने उठाया, उसके अंदर सीक्वेंस है GC, TTC, GAC, ये सीक्वेंस है। अब जब दूसरा शख्स का DNA उसी जगह वाला DNA आप उठाएंगे जो आपने पहले शख्स के DNA से आपने उठाया, उधर देखिए सीक्वेंस सेम है, GC, TTC तो है, लेकिन इस G की जगह पर
टी आया हुआ, फिर ए सी आया हुआ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में पेयर हुए हैं, नहीं भाई, डीएनए के अंदर तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो इसके सामने यहाँ पर सी होगा, इसके सामने जी होगा, टी के सामने ए होगा, टी के सामने ए होगा, जी होगा, जी के सामने सी होगा, टी के सामने टी, ए के सामने टी जी। तो वो उसके लिए तो अपना सीक्वेंस इस तरह होगा, इसके लिए फिर अपना सीक्वेंस इस तरह होगा, सी जी ए ए जी ए टी जी, मतलब इस तरह से होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है ये दूसरे शख्स से सिर्फ इस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ये क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक शख्स दूसरे शख्स इस तरह सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी डिफर कर सकता है। अब ये देखो, ये हमारे और आपके मार्कर्स हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा है, डीएनए मार्कर्स, दिस इज अ मार्कर्स, एक दूसरे को, एक शख्स को दूसरे शख्स से डिफर करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि एक शख्स को दूसरे शख्स से डिफर करने के अलावा इन मार्कर की मदद से हम लोग किसी डिजीज को कैच करते हैं, कोई जेनेटिक डिजीज हो, क्योंकि डिजीज में, जेनेटिक डिजीज में ये मार्कर्स चेंज हो जाते हैं, मार्कर चेंज हो जाते हैं ओरिजिनल मार्कर से, तो हम कंपेरिजन करके पता चल जाता है कि यार ये डिजीज वाला जीन मौजूद है, डिजीज है, डिजीज है। इसीलिए तो डायग्नोसिस मैंने इधर लिखा हुआ है, डिजीज डायग्नोसिस, डीएनए मार्कर। तो यही जो मार्कर आपके हैं, ये जो आपके खासकर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इससे आप किसी खराब जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो किसी बीमारी के रिस्पॉन्सिबल हों। अच्छा जनाब, तो इसके साथ ही यहां पर आप देखें कि एसटीआर जो है ना वो कितनी बार रिपीट हो सकता है, 5 to 200 times इसमें रिपीट्स आ सकते हैं। और होप आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। ये आपने जो है बेसिक प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपके माइंड में सेट हो गया कि यार एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह डिफर करता है। अब हम लोग इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसको अप्लाई करेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इस नॉलेज से क्या क्या फायदे ले सकते हैं, उसका नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सो आइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तरफ आते हैं। अब मैं सारा का सारा ये हिस्सा मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके ये सारा लिख सकते हैं, ठीक है। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। ये क्या चीज है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यहां पर मैं लिख लेता हूं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। चले जनाब, मैं चाह रहा था कि वीडियो को तोड़ दूं, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में ये आपको अलग सा रिकॉर्ड करूं, लेकिन हो सकता है ये डिसकंटिन्यूएशन की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो जाए, तो नहीं, ये कंटिन्यू कर लेते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से हम किसी शख्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके गैर मौजूदगी में उसके जिस्म का एक सैंपल लेकर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट में। और ये एक वो टेस्ट भी है जिसकी मदद से हम क्राइम सीन पे मर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वो टेस्ट है जिसकी मदद से हम पैटर्निटी इशू को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर हॉस्पिटल में पेरेंट्स डिस्प्यूट चल रहा हो बच्चे के बगैर, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। आपको पता है बच्चे जो होते हैं जैसे शुरू शुरू में वो जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो सारे उज़्बक टाइप के होते हैं, सबकी शक्लें एक जैसी होती है, तो कभी कभी वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर पेरेंट्स भी डिस्प्यूट चल रहे हैं मेरा है, तो उन पेरेंट्स का टेस्ट किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है ये बच्चा किस का है। और साथ ही साथ ये जो टेक्निक है इसको हम लोग इवोल्यूशन में काफ़ी यूज़ करते हैं, इसको हम लोग इनहेरिटेंस में काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है,
ठीक है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो हम लोग उसके स्टेप्स देखते हैं कि करते क्या है, मतलब एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो आप किस किस तरह से उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा नया टॉपिक शुरू हो गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे। किस चीज को आइसोलेट करेंगे? डीएनए को, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। ये आपका पहला स्टेप होगा, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। मतलब कैसे, आप या तो ब्लड ले ले किसी शख्स का, ब्लड ले ले, ठीक है। ब्लड के अलावा अगर वो शख्स सामने नहीं है तो आप क्राइम सीन जहां पर हादसा हुआ है वहां से आप उस शख्स का जो है बाल गिरा होगा, ठीक है, हेयर, या फिर मिसाल कोई बंदा उसकी कत्ल हुई है, वो मर गया है और उसके गले पर यहाँ वहाँ दूसरे जो कातिल है उसने गला दबा के उसको जो है मरवा दिया, तो उस कातिल के हाथ के ऊपर चूंकि सेल्स, जिल्द के ऊपर सेल्स होते हैं ना, हमेशा हमारे और आपकी जिल्द के ऊपर सेल्स होते, ये गिरते रहते हैं, तो जब उसने उसका गला दबाया तो उसके सेल उसके गले पर आ गए, ठीक है, तो फिर उसके गले पे भी हो सकता है हमें कुछ छोटा सा टिश्यू मिल जाए उस शख्स का, तो वो भी आप उठा सकते हैं, ठीक है, हेयर आप उठा सकते हैं, मतलब कोई भी निशानी आपको मिल सकते हैं, हेयर, स्किन, ठीक है, स्किन पार्ट आप जो है वो आप ले सकते हैं, जो भी हो। इससे इनसे आपने करना क्या है, क्योंकि मजे की बात यह कि स्किन के अंदर सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। हेयर के अंदर क्या है, हेयर के अंदर सेल है और सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। ब्लड के अंदर क्या है, सेल है और सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। तो भाई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, इन सब के अंदर सेल है और डीएनए है, मतलब अब ये नहीं कि अब डीएनए तो बॉडी में कोई मखसूस जगह से मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। डीएनए उठाने के लिए ये एक बाल भी काफी है, ठीक है, इज इनफ, टेक वन है, तो जब आप यहां से इनको उठाओगे, इनसे आपने डीएनए को क्या करना है, आपने डीएनए को अलग करना है, और इसके लिए लेबोरेटरी में बाकायदा अपना सेंट्रीफ्यूजल टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक की मदद से आप उसको डीएनए निकालते हैं, ठीक है, ये मशीन आपके लिए खुद खुद कर देगा, आपने सब सैंपल डालना है और आपके लिए डीएनए बाहर आ जाएगा। और डीएनए के अंदर भी खासकर वो स्पेसिफिक जगह जिसकी हमने बात की थी, ठीक है, वो आपने जगह उठाना है, अलग करना है। जब आपने आइसोलेट किया तो फिर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन विद, डाइजेशन विद किसके साथ भाई, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ये आपका जो एंजाइम है उससे आप उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। लेट सपोज यहां पर आपको मिला, यहां पर आपको मिला कलर चेंज करते हैं, यहां पर आपको मिला डीएनए, ये डीएनए आपको मिला, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको यहां से मिला, तो इस डीएनए को हम लोग क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की मदद से इसको तोड़ देंगे। जब आप इसको तोड़ देंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ओह माय गॉड, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये देख, हाँ जी, ठीक है, आपको फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, याद है कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फ्रैगमेंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये दूसरा फ्रैगमेंट है, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, ये फ्रैगमेंट्स आपको मिल गए, आपने इसको डाइजेस्ट कर दिया। याद रखिएगा, जिस शख्स का आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स ले लिए हैं, ये फ्रैगमेंट्स दूसरे शख्स से डिफरेंट होंगे लेंथ वाइज। अच्छा जनाब, इसको आपने थर्ड स्टेप आपने करना है क्या है, इसकी आपने कॉपीज बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये हमारे लिए टेस्ट नहीं करा सकता, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, मतलब अगर ये एक टुकड़ा है इसके हम लोग लाख बनाएंगे, लाखों में इसके टुकड़े बनाएंगे, ताकि इसको देखना आसान हो जाए, ठीक है, इसको स्टडी करना आसान हो जाए, इसीलिए हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, इन टुकड़ों को हम एम्पलीफाई करते हैं, दैट इज बाय
गेट कॉपी, या आप सकते हैं गेट कॉपीज बाय पी सी आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक ऑलरेडी एक वीडियो में इस पर डाल चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको भी देख सकते हैं पीसीआर, या हो सकता है शुरू में आपको सजेशन वीडियोस में आपको नजर आ जाए स्क्रीन के ऊपर पीसीआर। ये ऑलरेडी इस पर हम लेक्चर दे चुके हैं। तो पीसीआर देखो, एक इस टेस्ट के अंदर पीसीआर अलग आया। पीसीआर की मदद से आप इनको क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपीज आप लेंगे। तो बहुत सारी कॉपीज आप लेंगे तो कुछ इस तरह से नक्शा आपको मिलेगा, ठीक है। मैं हजार हंड्रेड तो नहीं लिख सकता, लेकिन आप समझ जाए कि बहुत सारे कॉपीज हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, इन सेगमेंट्स के। अच्छा, कॉपीज आपके पास आ गए, उसके बाद एक बहुत स्पेशल टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ जो है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक लेक्चर में ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसी चैप्टर के अंदर भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, करंट। यहां पर यह जो लफ्ज आप उठा, इसको आप उठा लें। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम एक ट्रे लेंगे, इस तरह से हम एक ट्रे लेंगे। ये जो है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रे है। यहां पर एक खास किस्म का लिक्विड पड़ा हुआ है, जेल, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल किस्म का लिक्विड है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको यहां पर रख देंगे, ठीक है। इसको हम यहां पे रख देंगे, आपने रखा। अब आपको पता है कि डीएनए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके ऊपर फॉस्फेट है तो नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्लेट है इसको हम करंट अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, यानी यहां पर जो है, यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। तो करंट का जो एक किस्म का फील्ड जनरेट, जैसे मैग्नेटिक मैग्नेट के आसपास फील्ड जनरेट होता है, वो लोहे को छोटे छोटे कील को अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो करंट की मदद से एक फील्ड सेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर चार्ज चीजें मूवमेंट स्टार्ट करेंगी, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे चीजें मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी चार्ज चीजें मूव करती हैं। अब आपके डीएनए पर तो चार्ज है, तो डीएनए के ये जो फ्रेगमेंट्स आपने बनाए हुए, ये मूव करना शुरू करते हैं, ये मूव करना शुरू करते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जब मूव करेंगे तो क्या सबके सब एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर आ जाएंगे, तो फायदा ही क्या, सारा टाइम ही जाया हुआ, नहीं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर देखिए, यहां पर सेगमेंट्स जो है कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ दरमियाना है, मुख्तलिफ साइज के सेगमेंट्स होते हैं। हर सेगमेंट अपने दूसरे सेगमेंट से डिफर करता है। अगर वो डिफर करता है तो क्या होगा, जो सबसे जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट, वो ज्यादा फासला तय करे, मतलब यहां से ज्यादा फासला तय करके यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा जो सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट है, और जो जो थोड़ा सा वजनी है वो कम फासला तय करेगा, मतलब यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जो बहुत हैवी है वो बहुत थोड़ा सा फासला जाके तय करेगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखो, वैसे तो बहुत सारा फ्रेगमेंट्स होंगे, लेकिन हम आपके आसानी के लिए कुछ फ्रेगमेंट शो कर रहे हैं। भाई इस तरह से फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, छोटे लेंथ वाले बहुत ज्यादा फासला तय करेंगे, दरमियाना वाले कम, एंड बहुत वजनी कम फासला। जैसे मोटा शख्स है, आप उसको पुल कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन पतले शख्स को पुल करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो ये करंट फील्ड में इनका डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी, ठीक है, इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया, और एक खास किस्म का मैप हमारे सामने आ गया, एक खास किस्म का नक्शा हमारे सामने आ गया। ये जो नक्शा है,
ये जो मैप है ये इस शख्स का फिंगरप्रिंट है, ठीक है, ये इसका डीएनए प्रिंट है। दुनिया जहां में ये शख्स का ये जो प्रिंट है ये पूरे दुनिया के इंसानों से डिफरेंट होगा। आप इस प्रिंट को पूरे दुनिया के प्रिंट के साथ कंपेयर करें, ये वाला जो प्रिंट है ये सिर्फ उस शख्स के लिए यूनिक होगा। कमाल की बात है, मतलब मजे की बात हमारे लिए। नेचर ने, अल्लाह ने इंसान को जब बनाया तो क्या कहते अशरफुल मखलूकात किस तरह से बनाया, आप जरा इसको देखो। इसकी हर इंसान के लिए उसने एक आइडेंटिटी नंबर दिया हुआ है। जिस तरह आपने मूवीज गेम ने देखा हुआ एक्स में, उसमें नाम भूल गया, बाद में हिट मैन में उसमें नैप पे जो है नंबर लिखा होता है 4747 4737 कहता है ये सारे आइडेंटिटी नंबर है इन लोगों की। तो इंसानों के अंदर हमारा आइडेंटिटी नंबर ये है, हमारी पहचान है। सो ये जब आ गया, अब मसला क्या, देखो ये तो बोर्ड पर नजर आ रहा है लेकिन आपको हकीकत में ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, बट आप देख नहीं सकोगे क्योंकि डीएनए कलरलेस है, आप नहीं देख सकोगे। हम कुछ और काम करते हैं, कुछ कलर्स यूज करते हैं ताकि हमें नजर ना शो करें। अब इसके बाद जो 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 स्टेप है, फिफ्थ नंबर पर जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है, अच्छा एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि यहां पर ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग अब क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिफ्थ नंबर पर हम आ रहे हैं, क्या करेंगे, अपने डीएनए सेगमेंट्स को डीनेचर कर देंगे। डीनेचर करने के लिए आपके पास हमेशा से कोई अलग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे आप इसको डीनेचर करेंगे। और डीनेचर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, चलो ये आपने कर दिया, इसको आपने डीनेचर कर दिया, तो ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया, और ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड एक दूसरे से अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था हम कलरिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोब्स ऐड करेंगे। तो सिक्स स्टेप पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, प्रोब्स एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो जिसकी सीक्वेंस हमें मालूम है, वी नो वेरी वेल, हमारे पास पड़े होते हैं। मिसाल के तौर हमारे पास इस तरह से प्रोब है, एक इस तरह से प्रोब है, वहां पर लिखा हुआ है ACGC, मतलब ये इस तरह के प्रोब, और इस तरह के ढेर सारे प्रोब्स हमारे पास है, हमें पता है नोन सीक्वेंस है। तो व्हाट इज प्रोब, दीज आर द नोन सीक्वेंस। एक तो ये हमें पता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, अच्छा इसका सीक्वेंस हमें मालूम नहीं कि क्या है इसके अंदर, अच्छा उसके बाद नॉन सीक्वेंस के बाद हम आपको बताएं कि दे आर रेडियो एक्टिव, मतलब इस तरह से उनके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उनके अंदर हम लोगों ने कोई रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, कोई रेडियो एक्टिव एटम एड किया हुआ है। रेडियो एक्टिव एटम फ्लोरेसेंस करता है, ठीक है, रोशनी छोड़ता है, राइट ये हम लोगों ने खुद किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव प्रोब्स है। अब लेट सपोज ये हमारे पास इस तरह के प्रोब्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोब्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसको आप हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, मतलब अगर मैं यहां पर छठे स्टेप पर लिखूं हाइब्रिडाइजेशन तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो प्रोब्स हैं हमें पता है इसकी सीक्वेंस क्या है, तो ये प्रोब्स जाकर उस जगह पर अटैच हो जाएंगे जहां पर इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। मिसाल के तौर पर आपका जो है वो ACGC है और आपका जो प्रोब है वो यहां पर आ रहे हैं, ACGC यहां पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर क्या करें, यहां पर ये अटैच हो रहे हैं क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट है, और इसके साथ वो अटैच नहीं हो रहे हैं, नो इट्स नॉट अटैच, लेकिन यहां पर जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो आपका जो प्रोब है उसका जो सीक्वेंस है वो हर एक के साथ अटैच नहीं होगा, वो उस सेगमेंट के साथ अटैच होगा जिस पर ये सीक्वेंस है, जिसका सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका अपोजिट है, यानी ये प्रोब उस डीएनए के सेगमेंट के साथ अटैच होगा जहां पर TGCG लिखा होगा,
मतलब वहां आप अटैच होंगे। तो एज्यूम कर हमने देखा कि आपका प्रूफ जो है वो यहां पर अटैच हुआ और यहां पर अटैच होगा, ठीक है, ये अटैच हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन भी कर दिया, प्रूफ भी अटैच कर दिया, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक्सरे का एक और काम भी करेंगे। सॉरी, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर आपको जो नक्शा नजर आ रहा है, ये तो सब कुछ जेल के अंदर हो रहा है, ये थोड़ा अनस्टेबल है, हम इसको बड़े अच्छे से खूबसूरत कागज पे जो है इसको लाएंगे, ठीक है। और वो कागज का नाम आप लोग लिख सकते हैं नाइलोन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर उठा लेंगे। वो जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है मैं आपके लिए लिख रहा हूं इसको, इसको हम लोग ब्लॉटिंग भी कहते हैं, ब्लॉट तो लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉटिंग, सर ने कहा ब्लॉटिंग। सो ब्लॉटिंग का है द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रॉम द जेल टुवर्ड्स द नाइलोन पेपर। सो ये आपका नाइलोन पेपर है या नाइट्रोसेलुलोज का, ये आपका नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है। वहां पर आप इसको शिफ्ट करोगे तो वहां पर आपको क्या नजर आएंगे, वो जो सेगमेंट्स हैं, वो जो सेगमेंट्स हैं ये सारे के सारे सेगमेंट्स वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, सारे के सारे सेगमेंट वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता भी है कि प्रोब्स भी यहां पर किसी के साथ अटैच है तो किसी के साथ अटैच नहीं है, अभी भी नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। नजर आने के लिए बस आपने काम करना है, आपने एक दूसरा पेपर उठाना है जिसका नाम है एक्सरे रेडियोग्राफ। एक्सरे का एक किस्म का पेपर आता है, वो पेपर आप इसके ऊपर रख ले। जब वो पेपर आप उसके ऊपर रख ले तो वो कमाल का पेपर है, वो इस रोशनी को कैच करेगा, वो इस रोशनी को कैच करेगा। अब लेट सपोज कि ये जो हमारे पास पेपर अब है, हमने ये जल वाला छोड़ दिया, अब आप कहीं और पर हो, ठीक है, ये आपका एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म है, ठीक है। ये जो कागज है आप इसको इस एक्सरे के ऊपर रख दो तो इसकी जो रोशनी है वो क्या करेगा, वो इस कागज के ऊपर दाग बनाएगा, इस तरह से दाग बनाएगा, खासकर उस जगह पर दाग बनाएगा जहां प्रोब अटैच है। तो एक दाग यहां बनेगा, बैंड, एक बैंड यहां भी बनेगा, ये आपको बिल्कुल नजर आएगा, अपनी आंखों से नजर आएगा। ओहो, दीज आर द सेगमेंट्स। अब ये जो एक नक्शा है, आंख से नजर आने वाला नक्शा, जो इंसान के डीएनए के अंदर छुपा हुआ नंबर था, इंसान का शनाख्ती अलामत था, इंसान का शनाख्ती नंबर था, जो पहले नजर नहीं आ रहा था, अब ये देखो, ये हमें अपनी आंखों से अभी दिखाना शुरू हो गया। ये जो नक्शा है इसको आप स्टोर करो, ये जिंदगी भर के लिए, थाउजेंड ईयर्स के लिए ये नक्शा सिर्फ इस इंसान के नाम पर होगा। दुनिया में जब भी कोई शख्स आएगा उसका ये वाला नक्शा नहीं होगा। कितने मिलियंस लोग इस दुनिया में आएंगे लेकिन किसी का नक्शा इस तरह नहीं होगा। अब आप देखें, टेक्निक यहाँ पे खत्म हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यहाँ पे खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब इससे हम काम किस तरह लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। एप्लीकेशन में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये कि आप कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम, जो ख़राब जीन है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पर मर्डर हुआ है, उस मर्डर वाले जगह पर उस शख्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेप हुआ है, रेप केस में वो रेपिस्ट शख्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पेटर्निटी इशू जो है बच्चों के ऊपर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, अपने से 1 1 2 2 लाइंस आप ड्रा करें। मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जांपल भी मैंने बताऊंगा कि किस तरह आप मर्डर को आप फाइंड करते हैं, हाउ। तो चले, लेट सपोज अभी मैं ये सारा का सारा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये अभी मैं मिटा रहा हूं, बस अभी आपका लेक्चर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जो जो बंदा इस वक्त तक बैठा हुआ है, लेक्चर देख रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने गेट किया हुआ है और मुझे खुशी है। अच्छा जनाब, चले ये दो बेचारे लोग जो है उनको जो है पकड़ा गया है और यहां पर जो है ये शख्स जो है इसकी कत्ल हुआ है। यहां पर इसके आसपास हमें एक आप एक एग्जांपल इसको रैप भी ले सकते हैं, हो सकता है इसका रैप हुआ है एक
रेप केस है, ठीक है, सब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल में, तो उसके बॉडी से हम लोग क्या निकालेंगे, अगर इसका रेप हुआ है तो उसके बॉडी के अंदर मेल सिमन जरूर मौजूद होगा, उस सिमन से हम लोग उसका डीएनए उठाएंगे, उस शख्स का डीएनए, या फिर हो सकता है उस शख्स के कोई और बॉडी पार्ट हमें वहाँ पर थोड़ा सा टिश्यू मिल जाए, या फिर ये मर्डर हुआ है तो नो प्रॉब्लम, कोई भी केस हो सकता है। मर्डर के केस में लेट्स सपोज यहाँ पर हमें कोई बाल मिला हुआ है, हेयर मिला हुआ है, वो जो हेयर है वो उसको हम लोग लेके जाएंगे, कहाँ पर लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में लेके जाएंगे। जब आपने सीआईडी ड्रामा तो देखा होगा, सीआईडी ड्रामा में उसमें अक्सर वो लोग लेब ले जाते हैं, क्या कौन सा लेब है, ऐसे लेब को क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक लेब, फॉरेंसिक लेब, फॉरेंसिक लैब में इस सेल से हम लोग क्या निकालते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ये जो जो शख्स मरा हुआ है या जिसका रेप हुआ है इसका डीएनए हम लोग निकालेंगे, और डीएनए निकालने के बाद इसका प्रिंट लेंगे, जैसे आपको ये तो पता है ना प्रिंट हम लोग ले सकते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लेंगे, प्रिंट पर हमें एक मखसूस किस्म का मैप नजर आएगा, ठीक है, मखसूस किस्म का हमें मैप नजर आएगा, इस तरह का एक मैप नजर आएगा, ये इसका है। अब शक है कि इन दो में से पता नहीं किसने इसको कत्ल किया हुआ है, हमें भी नहीं पता कि किसने इसको कत्ल किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डीएनए निकालेंगे, भाई आ जाओ आप पे शक हो गया है, अपना ब्लड दे दो, शाबाश, उससे ब्लड निकालेंगे, इस शख्स से ब्लड निकाल, इस शख्स से भी ब्लड निकालेंगे, दोनों से ब्लड निकालेंगे, दोनों से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, दोनों का हमारे पास इस तरह का स्क्रीन आएगा, दोनों हमारे पास इस तरह के स्क्रीन आएगा, अब दोनों का इस तरह के स्क्रीन आएगा, अगर ये दोनों क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, मर्डर नहीं है, तो इन दोनों का नक्शा फिर इस नक्शे से डिफरेंट आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर है, उसके फौरन बाद एक बड़ा सा सेगमेंट है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है, मतलब इस तरह का एक नक्शा आया। इस शख्स के केस में फिर यहाँ पर इसका नक्शा फिर कुछ इस तरह से नक्शा आया। तो अगर हम जब हमने देखा कि यार ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल भी फ्री है, ये दोनों नहीं है। या फिर इस तरह से हो सकता है कि थर्ड बंदा पेशक हुआ, उसको अपने उठा लिया, उसका डीएनए टेस्ट कर दिया, जब डीएनए टेस्ट कर दिया उसका अपने प्रिंट निकाला, तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो बना लिया वो कुछ इस तरह से आ गया, पैटर्न इस तरह से, ओह माय गॉड, ये जो थर्ड शख्स है उसको पकड़ा, उसका जो डीएनए फिंगर प्रिंट टेस्ट है वो इस तरह बिल्कुल सेम आया, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड शख्स ने जो है इसका मर्डर किया था। यही चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, रेप केस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और पेटर्निटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, माँ बाप से बच्चा आया हुआ है, बच्चा जो है माँ बाप से ही आएगा, तो बच्चे का जो प्रिंट होगा उसमें माँ बाप की ही निशानी होगी, तो आप इसको दूसरे पैटर्न के साथ, पेरेंट्स के साथ मैच करें, पता चल जाएगा बच्चा किसका है। एग्जैक्टली इसके साथ ही ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो, काफ़ी लेंथी लेक्चर था, अगर आप अभी तक भी देख रहे हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने भी आज अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया, ये मेरे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में देता रहता हूं। उन लेक्चर्स में काफ़ी स्पेशल लेक्चर्स आए हुए हैं, फेवरेट लेक्चर्स है, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट लेक्चर फॉर मी बिकॉज वेरी स्पेशल, खासकर आजकल के दौर में, इस नए दौर में, तो ये आपने सीख लिया होगा, हमें लाइक ज़रूर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।